हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने फिर से डंप दिखाया, अल्टीमेटली वापस क्लोजर जो हुआ ग्रीन हुआ। तो ये जो साइडवेज एक्शन है वो चलता जा रहा है। 30,000 के आसपास जो की सपोर्ट है वो अभी भी मेंटेन है। तो जानेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है अब यहाँ से, एंड डेफिनेटली जो है जो हमें 4 आवर के चार्ट पे पैटर्न दिख रहा था वो क्या ब्रेकआउट हुआ है, फेकआउट हुआ है, या फिर अल्टीमेटली वो इनवैलिडेट हो गया है, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderTA.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया उसे जाके देखो, समझो, उसमें जो इंडिकेटर दिया उसे अप्लाई करो, एंड उसके बेसिस पे आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो ट्रेडिंग हो, उसका प्लान कर सकते हो। तो डेफिनेटली गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, एंड सीधा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, क्योंकि बिटकॉइन ने जो है अभी यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है। बट कल के दिन हम अच्छा खासा मोमेंटम के बाद ड्रॉप हो गया, एंड काफी अच्छे से ड्रॉप हुआ, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं शॉर्ट आवर्स में, एंड 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं जो अभी हमने रिसेंटली मैंने 4 आवर के चार्ट पे आपको ये पैटर्न बना के दिया था, तो क्या वो ब्रेकआउट हुआ। तो संडे इवनिंग के टाइम में वो ब्रेकआउट हुआ, फिर अल्टीमेटली मंडे को रीटेस्ट करने गया एंड वो फेकआउट निकला, फिर कल के दिन वापस से ये नीचे गया, काफी नीचे गया, एंड वहां से फर्दर ये ऊपर आ गया। तो इस लाइन के बाद ये वापस से अभी बाउंस बैक दिखा रहा है। तो क्या ये फेक आउट है, ब्रेकआउट है, या फिर चार्ट अब इनवैलिडेट हो गया। तो गाइस देखो, इस चार्ट पे दोनों डायरेक्शन में प्राइस मूव हुआ, एंड अल्टीमेटली किसी भी डायरेक्शन में फाइनल नहीं हुआ। अभी हम जरूर जो है 200 EMA लाइन के ऊपर गए हैं, जो कि अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए, लेकिन ये चार्ट जो है अब इनवैलिडेट हो जाता है। तो हम इस चार्ट को अब ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, ऑल्दो हम कह सकते हैं बिल्कुल लास्ट एज पे हमें बॉन्स मिला है, तो स्टिल वी कैन से कि यस दैट इज पॉसिबल। बट इससे बेटर जो व्यू मिलेगा आपको, हायर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी अल्टीमेटली 1 आवर के चार्ट पे कैसे क्या प्ले आउट हो रहा है, 80 के अब सपोर्ट का रेसा है, दैट इज पॉजिटिव। हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव है, एंड अल्टीमेटली ग्रीन इंडिकेटर जो है 1 आवर के चार्ट पे फिर से ऊपर की तरफ स्पाइक दिखा रहा है। RSI जो है above 70 इस लेवल के बाहर आ गया, definitely जो है यहाँ पे अब हमें resistance देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि सारे indicator positive है तो sideways action में भी price थोड़ा सा maintain करेगा या फिर upside जाएगा, and definitely जो है MACD भी हमारा green बना है, तो क्या हो सकता है। देखो, worst के scenario में हम यहाँ पे वापस से retest करने आ सकते हैं $29,861, क्यों, क्योंकि वहां पे 200 EMA line है। याद रखना, 200 EMA line last time जैसे breakout मिला था, मैं नीचे की तरफ ब्रेक हो गया था, सपोर्ट नहीं देखने को मिला था, अगर वैसा हुआ तो फिर से प्राइस एक्शन नीचे गिर सकता है। तो डू रिमेंबर, हमें इस लेवल पे सपोर्ट चाहिए अगर आने वाले आवर्स में हम इस जगह पे जाते हैं। चांसेस आर ब्राइट कि हम इसे रीटेस्ट करने जाएंगे, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे और बेटर क्लियर पिक्चर होगा। अगेन 4 आवर के चार्ट पे भी आप देखोगे जो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था वो लास्ट में हमें अभी जरूर दिखने को मिल रहा है कि लगभग 2% का पीक लेके वापस से हम उस जगह पे गए, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या इसके टारगेट को रीच करेगा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा जो है इनवैलिडेट कर दिया इस ट्रायंगल को। बट ओवरऑल 4 आवर के चार्ट पे वी आर नाउ बुलिश एंड टुवर्ड्स 80 की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज गुड साइन। एंड यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन हमें मोमेंटम जल्द देखने को मिल सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट। एंड यस, RSI जो मैं आपको कह रहा था 4 आवर के चार्ट पे, इस जगह पे हमें बाउंस बैक मिल सकता है 24 मई को लगभग इस जगह पे हम जब गिर रहे थे, तो डेफिनेटली जो वैसा ही बाउंस बैक देखने को मिला है, एंड अभी हम अबव 55 के अराउंड चल रहे हैं, एंड एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी कैन गो अप टू 60 लेवल, 60 से वापस से नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड एवरेज लाइन धीरे धीरे करके हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ जा रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है, एंड MACD भी पॉजिटिव वापस से बन गया, तो चांसेस आर ब्राइट कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें $30,993 के आसपास का लेवल, यानी कि कह सकते हो 31,000। बट जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे इमीडिएटली जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर में पॉसिबिलिटीज बताई है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। 4 आवर के चार्ट पे भी जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो लगभग $29,853 के आसपास है, तो अगर हम डिक्लाइन होते हैं 1 आवर के चार्ट पे तो इस लेवल तक भी जा सकते हैं, डू रिमेंबर दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा यहाँ पे 12 आवर के चार्ट पे, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 21 EMA हमें वापस से रेजिस्टेंस दे रहा है, और ये पहली बार रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, हमने अभी रिसेंटली कई बार दिखाया है। और यहाँ पे अगर आप पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हमें बेटर ग्राफ अभी देखने को मिल रहा है,
जो करेंटली मूव हमने 4 आवर के चार्ट पे ड्रॉ किया था उससे बेटर, एंड डेफिनेटली हम इस जोन के अंदर, इवन दो हमने नीचे की तरफ डिप दिखाया, लेकिन अगर मैं कैंडल क्लोजर टू क्लोजर देखूं तो अभी भी ये इसी ट्रायंगल के अंदर है, एंड इस ट्रायंगल का जो लास्ट फेज है वो लगभग लगभग मंथ के एंड में जा रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हो अगर मैं वीक टू वीक ज्वाइन करूंगा तो 1 जून तक जा रहा है, एंड वहीं अगर मैं बॉडी टू बॉडी देख रहा हूँ तो 30 मई 31 मई के आसपास जा रहा है ब्रेकआउट। तो क्या वो ब्रेकआउट अभी हो सकता है? अगर हम इस लेवल के ऊपर यानी कि 30,500 के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं गाइज, रिमेंबर क्लोजर ले लेते हैं बैक टू बैक 4 आवर के, 12 आवर के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे, गाइस गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल $432,260, एंड डेफिनेटली वहां पे भी हमें याद रखना है कि वो रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी अगर हम 21 EMA के ऊपर जाते हैं तो दिस इज अ रियली गुड साइन, क्योंकि हम 12 आवर के चार्ट पे अगर अगर हम 21 EMA के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली दिस इज रियली पॉजिटिव साइन फॉर बिटकॉइन। बट यस, अभी 12 आवर के चार्ट पे हम काफी दिनों से ओवर कर रहे हैं इस जगह पे, एंड धीरे धीरे लूज कर रहे हैं मोमेंटम, लेकिन RSI जो है हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, एंड याद रखना 40 के लेवल से लेके 50 के बीच में हम घूम रहे हैं, एंड ये 50 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जैसे यहाँ पे देखने को मिला। तो डेफिनेटली जो प्राइस एक्शन मैंने बताया वो तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ ही देखना है एक लेवल जो कि है लगभग लगभग $30,500 के आसपास, जिसके ऊपर काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है, एंड डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं कैंडल वन डे का या 12 आवर का चार्ट, देन दिस इज रियली गुड साइन फॉर बिटकॉइन, एंड डेफिनेटली उस केस में हमारा 21 EMA जो है वन डे के चार्ट पे भी रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा, एंड डेफिनेटली जो कि अभी 31,500 के आसपास है, तो ये वो सारे लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर विदाउट वॉल्यूम हम ऊपर जाते हैं। डू रिमेंबर कि हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा उन जगहों से, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ अगर आप ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा हुआ है कि ऑल्ट कॉइन को छोड़ के अभी बिटकॉइन में आप प्लान कर सकते हो बिकॉज दैट इज इन द बाइंग जोन, एंड बट ऑल्ट कॉइन में अभी मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो बहुत चीप है, लेकिन 30,000 के बिलो हम प्राइस हर रोज दिखा रहे हैं, एंड एवरी टाइम वी ड्रॉप टुवर्ड्स 28,000 ऑल्ट कॉइन विल ब्लीड लाइक एनीथिंग, जो कि आपको दिख भी रहे होंगे। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ डिफरेंट चार्ट की, 15 मिनट्स के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो पे हमने वापस से रिक्लेम कर लिया 200 EMA लाइन, एंड यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर 30,000 का लेवल ब्रेक होता है जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 29,800 के आसपास मिलेगा 15 मिनट्स के चार्ट पे, बट इफ वी आर नॉट एबल टू होल्ड दिस लेवल देन डेफिनेटली जो है वापस से जो अभी 2-3 दिनों से जैसा मूव देखने को मिला वैसा ही हमें देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। ऑल दो 15 मिनट्स के चार्ट पे वी आर शोइंग पॉजिटिव साइन, एंड डेफिनेटली जो है CPR चार्ट की बात करूं सुबह से हमने बॉन्स दिखा दिया है, एंड CPR चार्ट का जो पहला टारगेट था वो ऑलरेडी रीच्ड है 30,000 के आसपास। कल हम काफी ज्यादा डिप गए थे इस लाइन के बिलो, लेकिन हम CPR के सपोर्ट लाइन तक नहीं गए, वहां पे वॉल्यूम देखने को मिला, एंड 28,600 के आसपास जो कि हमारा वैसे सपोर्ट लेवल है उस जगह से हमें बाउंस बैक देखने को मिला, एंड डेफिनेटली जो अभी हम अपर जोन में बैठे हैं, लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं डू रिमेंबर हमें 29,500 का लेवल ब्रेक नहीं करना, अगर ब्रेक करते हैं द लास्ट सपोर्ट लेवल विल बी तो 29,218, अगर वो ब्रेक करते हैं वापस से हम डिक्लाइनेशन जोन में जाते हुए देखेंगे पहला टारगेट 28,800 एंड देन सेकंड वन विल बी द 28,200 के नियर बाय। तो इन फिगर्स को आपको याद रखना, वही ऊपर की तरफ की बात करूं तो 30,500 के आसपास CPR चार्ट के हिसाब से भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, एंड बात करूं फ्यूचर के चार्ट पे तो फ्यूचर के चार्ट पे MACD फाइनली आज ग्रीन दिख रहा है, लेकिन क्लोजर नहीं हुआ है, क्लोजर का इंतजार करना होगा, बट बाकी के इंडिकेटर भी पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। प्राइस वाइज हम वहीं पे हैं जहां पे पिछले एक हफ्ते से घूम रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर्स आपको पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, दिस इज नॉर्मल बिकॉज विद टाइम वो मोमेंटम लेता है, बट यस हमें ध्यान देना है कि वॉल्यूम आना चाहिए मार्केट में जो कि मिसिंग है इवन ऑन 4 आवर चार्ट, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉन्ग्स वर्सेस शॉर्ट तो कोई भी डिफरेंट मूव नहीं देखने को मिला है, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे MACD रेड होगा, लेकिन प्राइस डिक्लिनेशन हमें USD लॉन्ग्स में नहीं देखने को मिला है, हम साइडवेज एक्शन में है उसी जगह को होल्ड कर रहे हैं, सिमिलर वे में हमें शॉर्ट की पोजीशन में भी देखने को मिल रहा है एक्शन, कोई मेजर मूव नहीं देखने को मिल रहा। वहीं डिफरेंट चार्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी जरूर वीक का मिड है, तो अभी इंतजार करना होगा हमें कि फाइनली इसका पोजीशन क्या होने वाला है, बट अभी के लिए अभी हम बेटर मूव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं दिस इज द लेवल 30,500 विल बी द वेरी क्रिटिकल लेवल, बिकॉज यहां से एक बार फिर से रिजेक्शन कुड लीड अस टूवर्ड्स, इनफैक्ट जो नीचे का लेवल है बॉलिंजर बैंड का वो आज की डेट में 24,500 के आसपास आ गया, तो विद टाइम धीरे धीरे आप देख रहे हो ये बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है और ये वाला लाइन बहुत नीचे आ रहा है, और इसके बाद जो मोमेंटम होता है वो स्क्यूज हो जाता है चार्ट, स्क्यूज होने के बाद बड़े बिग मूव्स आते हैं जनरली चार्ट पे, एंड अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे एटलीस्ट मिडिल लाइन के ऊपर जो कि 30,600 की वैल्यू है, 30,600 के ऊपर अगर हम मेंटेन करते हैं वैल्यू अगले 10 दिनों के लिए तो प्राइस एक्शन विल ब्रेक आउट टुवर्ड्स अपसाइड, वहीं अगर इसके नीचे रहते हैं
देन स्टिल पॉसिबल कि हम नीचे फर्दर डिप दिखा सकते हैं. डू रिमेंबर दैट. एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 30,500 का लेवल है, एंड उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो 31,600 के आसपास भी हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा एज पर बॉलिंजर बैंड फॉर टूडेज. एंड डेफिनेटली जो है बाकी के चार्ट की अगर मैं बात करूँ S&P की, तो S&P ने कल के दिन डिप मोमेंटम दिखाया लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर एज ए डोजी कैंडल हुआ. कह सकते हो इंडिसिसिवनेस जो कि एक्सपेक्टेड है, एंड दिस इज समथिंग जो कि काफी डिप दिखाने के बाद एक्सपेक्टेड होता है टू सी कि यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ है या नहीं. अगर स्ट्रेंथ मिलता है देन डेफिनेटली हम 21 EMA के ऊपर जो आना होगा पहला टारगेट, बट वो अभी फिलहाल इस वीक होता हुआ दिख नहीं रहा. ऑल दो वी कैन इवन सी दीज लेवल 4,000 का लेवल जो मैंने आपको बोला हुआ है, कल के दिन हमने देखा था लगभग 3,981 डॉलर, बट 4,000 का लेवल नहीं पहुंचा. तो आज हो सकता है उस लेवल तक हम जाने की कोशिश करें, बट यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है देन अगेन वी कैन फॉल अनदर लेग टूवर्ड्स डाउन साइड. वहीं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड एज एक्सपेक्टेड हमारे टारगेट जोन के आसपास जाते हुए कोशिश कर रहा है. यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा इस जगह पे, सो वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, बट चार्ट इज लुकिंग गुड. तो अभी भी हम कह सकते हैं कि 1920 डॉलर के आसपास जा रहे हैं रीटेस्ट करने के लिए. एंड DXY बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल के दिन रेड दिखाया, क्लोजर रेड लिया, सारे इंडिकेटर अब निगेटिव होता हुआ दिख रहा. RSI की बात करूं तो RSI भी जो है वो काफी नीचे अब आता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली जो है 45 के बिलो है. एंड उसी तरीके से बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूँ तो वो सारे इंडिकेटर जो हैं अब धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस लेवल पे अभी हम हैं जहाँ पे चॉपिनेस इंडेक्स में हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत ड्रॉप, ये कंटिन्यू हो टूवर्ड्स एटलीस्ट टूवर्ड्स 100. एंड देखो उससे पहले यहाँ पे सपोर्ट जरूर बना हुआ है 101465 के आसपास, तो इस जगह पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट रीच कर गए. यहाँ पे ग्रीन कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आज का हो सकता है ग्रीन कैंडल हो सकता है. ऑल्दो अगर नीचे जाता तो इस लेवल पे हमें सपोर्ट मिलेगा, एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बेस्ट केस अगर प्ले आउट होता तो 102.802 की तरफ भी बढ़ सकते हैं, बट वहां पे अब हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 21 EMA से. बट अल्टीमेटली सारे चार्ट बियरिश है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम टुवर्ड्स 100 की तरफ तो जा ही रहे हैं. 100 का लेवल क्या ब्रेक कर पाते हैं, बिकॉज दैट इज रियल मूव वी नीड, बिकॉज दिस लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम बाकी के चार्ट पे दिखेंगे. डोमिनेंस चार्ट की बात करूं, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड. 10 EMA से वापस से हमें बाउंस देखने को मिल रहा है, एंड ये जो लेवल है इवन 21 EMA भी रीटेस्ट नहीं किया है. बिटकॉइन में चाहे पॉजिटिव मूव हो नेगेटिव मूव हो, सफर कोई कर रहा है तो ऑल्टकॉइन BTC पेयर में कर रहा है. दिस इज द रियल साइन ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि 40,000 के बिलो ऑल्टकॉइन में इज नॉट एनीवे रिकमेंडेड. एंड डेफिनेटली जो है डॉलर के टर्म्स में डिपेंड्स कि बिटकॉइन का प्राइस कैसे क्या मूव हो रहा है, जरूर आपको थोड़ा बहुत फर्क दिखता है. बट USDT का चार्ट भी अगर देखोगे कुछ खास नहीं है, एंड वी आर काइंड ऑफ प्रिंटिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि इंटरेस्टिंग है. अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो दिस इज रियली गुड साइन फॉर ऑल्स, इनफैक्ट पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए. बट अभी के लिए काफी अर्ली स्टेज हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम इसी जोन के नीचे अगर हम ब्रेकआउट कर देखते हैं नीचे की तरफ तो आने वाले डेज में 4.81 की तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे, जो कि इंडिकेटर जरूर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर इन दिस जोन. एंड इसके लिए हमें चाहिए कि क्लोजर हो 5.78 के बिलो, अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिला पिछले 2 हफ्तों से. एंड इथेरियम का BTC चार्ट इज बिल्कुल टोटली इक्वली जो है वो बिहेव कर रहा है डोमिनेंस चार्ट की तरह, एंड डोमिनेंस चार्ट फेवरेबल नहीं है ऑल्ट्स के लिए, वही चीज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इथेरियम. तो दैट्स व्हाई आई एम टोल्ड यू कि यार BTC पेयर में अभी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा. इथेरियम का USD चार्ट की बात करूं तो USD चार्ट पे जरूर बिटकॉइन के मूव के साथ हमें थोड़ा बहुत मूव देखने को मिला कल के दिन, काइंड ऑफ डोजी कैंडल, बिकॉज BTC पेयर में कुछ खास नहीं किया इथेरियम ने. तो इवन दो बिटकॉइन ने मूव दिखाया ऊपर की तरफ लगभग 2% का, बट इट वोंट ज्यादा इसका हेल्प नहीं किया, एंड डेफिनेटली इंडिसिसिवनेस बना हुआ है. वी नीड टू सी कि यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, बिकॉज RSI इज नॉट टेस्टिंग 40 का लेवल. 40 के लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलता है. आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल की 2163 डॉलर जो है आने वाले डेज में हम रीटेस्ट कर सकते हैं ऑन द डॉलर चार्ट, बट फिलहाल के लिए बहुत फोकस रखना आपको बिटकॉइन के चार्ट पे, स्पेशली 30,500 से 600 का लेवल के ऊपर हमें क्लोजर चाहिए. अगर हम वी आर एबल टू डू दैट देन ऑब्वियसली दिस वीक वी कैन सी द पॉजिटिव कैंडल. अल्टीमेटली वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर मिल सकता है, एंड इसके चांसेस ब्राइट बन रहे हैं एज पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ उसके हिसाब से. बट जब तक हो नहीं जाता, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक वी आर स्टिल इन द निगेटिव जोन. एंड डू रिमेंबर 21 EMA के नीचे ही हम बने हुए हैं डेली चार्ट पे, एंड यहाँ से भी हमें फिर से रिजेक्शन मिल सकता है जो कि है 31,500 के नियर बाय का वैल्यू. तो इन सब के ऊपर नजर रखना आपको भी है, मुझे भी है. कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर दूंगा चैनल पे, तो जरूर जो है सारे प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है. जरूर जाके जो है 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जाके देखो, समझो, फ्री के जो इंडिकेटर्स दिए हैं उसे अप्लाई करो,
प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आता है तभी रिएक्ट करो। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।